हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब? आशा करता हूँ ठीक है। वेलकम टू माय चैनल डिमांड फॉर बंगाली रिएट। मेरा नाम है किशोर यादव। तो आज मैं जिस वीडियो आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ, उन लोगों ने ऑलरेडी थंबनेल देखी तो आप लोगों को पता ही चल गया होगा, एक बंदा है जिसका चैनल का नाम है एक्स मुस्लिम जफर हेरेटिक। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे इसका चैनल को तो उसका अच्छा खासा सब्सक्राइबर है, 2 लाख का ऊपर सब्सक्राइबर, ये मामूली बात नहीं है। और जो वीडियो के बारे में मैं आपसे बात करना चाहता हूँ वो वीडियो है कि उसने इस्लाम क्यों छोड़ा है, उसके ऊपर में। तो पूरा वीडियो देखिएगा अंत तक। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगता है तो मेरा चैनल को भी काइंडली सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा, और सब्सक्राइब के साथ साथ आप बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको मेरा हर आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए बिना देर करते हुए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। और ये रहा 1, 2, 3। मुस्लिम फैमिली से हूँ और इस्लाम को बहुत ज्यादा फॉलो तो नहीं करता था, लेकिन गॉड में ट्रस्ट पूरा था। और मेरे पेरेंट्स के अलावा घर में 2 सिबलिंग्स हैं, तो ये बाकी के सिबलिंग्स तो बचपन से ही न्यूट्रल थे। लेकिन जब मैं छोटा था तब तो मैं नमाज भी पढ़ता था और रोजे भी रखता था। लेकिन जब थोड़ा बड़ा हुआ तो लॉजिक लगाया कि अगर अल्लाह माँ बाप जैसा है तो हमें भूखा रहने के लिए क्यों कहेगा और क्यों जबरदस्ती की उठक बैठक लगवाएगा। फिर ये प्रैक्टिस तो छोड़ दी, लेकिन अल्लाह अभी भी था लाइफ में। मैं 18 साल का भी नहीं हुआ था जब मैंने एक छोटी सी जॉब स्टार्ट की। वहाँ ऑफिस के मुस्लिम लोगों ने मुझे समझाने की कोशिश की कि रोज़ा हर मुसलमान पर फ़र्ज है, लेकिन मैं नहीं माना। मैंने पक्का मन बना रखा था कि अल्लाह जिसने हमें बनाया वो तो बहुत इंटेलिजेंट होगा, वो भला क्यों बेकार की प्रैक्टिस करवाएगा। हालांकि अभी तक मैंने कुरान या हदीस को मीनिंग के साथ नहीं पढ़ा था। फेसबुक पर इस्लाम की अच्छी पोस्ट भी कभी कभी शेयर कर दिया करता था, फिर उस पर जो लोग मोहम्मद साहब को गालियाँ देते थे उन्हें ब्लॉक कर दिया करता था। मुझे लगता था कि वो लोग नफरत फैला रहे हैं। आखिर ऐसा कैसे हो सकता है कि इतने बड़े मजहब को स्टार्ट करने वाला ऐसा भी हो सकता है जैसे कि ये लोग कहते हैं? सवाल तो बहुत थे मन में, क्योंकि मैंने स्कूल में साइंस पढ़ी थी, लेकिन मुझे किसी भी स्कॉलर से डिस्कशन करना अच्छा नहीं लगता था, क्योंकि उनका जो वो रवैया होता था कि खुदा और उसके रसूल पर शक की कोई गुंजाइश नहीं, वो बिहेवियर मुझे बहुत बुरा लगता था। हर जगह इस्लाम पर बोलने वाले स्कॉलर्स मुझे जाहिल दिखाई देते थे, और मुझे इंतज़ार था किसी ऐसे इंसान का जो साइंस और इस्लाम को एक साथ पेश कर सके। मैं इस्लाम को तभी छोड़ देता। लेकिन फिर जाकिर नाइक साहब का एक शो देखा, डॉक्टर जाकिर नाइक, ही वॉज ए मेडिकल डॉक्टर। अच्छा लगा कि कोई तो इस्लाम में है जो इस्लाम का सही मतलब दुनिया के सामने रख सकता है। जाकिर नाइक का मैनिपुलेटेड साइंस मैंने ठीक समझा और फिर मैं इस्लाम की साइड हो गया, पीसफुल इस्लाम। लेकिन ये झूठ ज़्यादा दिन नहीं रहा। एक बार मेरे खुद के नॉन मुस्लिम दोस्त ने मुझसे पूछा कि क्या सचमुच आपके रसूल ने 6 साल की बच्ची से शादी की थी? मैंने बोला, नहीं भाई, ऐसा नहीं हो सकता, ये सब नफरत फैलाने वाली बातें हैं। वो तो कुछ नहीं बोला, लेकिन इस बार मुझे लगा कि अब मुझे इस्लाम के बारे में पढ़ ही लेना चाहिए ताकि नेक्स्ट टाइम कोई ऐसा कहे तो मैं उसे रियलिटी बता सकूं। सबसे पहले कुरान उठाया और मीनिंग के साथ पढ़ा। मुझे शक हुआ कि ये ट्रांसलेशन कुछ गलत है। फिर जब मैंने कुरान से रिलेटेड तफसीर पढ़ी तो मैं शॉक्ड हो गया। फिर मैंने बाकी हदीसें भी पढ़ी, आयशा का किस्सा पढ़ा, गुलाम औरतों के बारे में पढ़ा, 72 हूर, 3 तलाक, हलाला जैसी चीज़ें। मुझे लगता था कि ये चीज़ें किसी स्कॉलर ने बस बयान कर दी होंगी और मिस इंटरप्रिट हो गई होंगी, लेकिन ये सब कुरान का हिस्सा थी। साइंस की तो धज्जियाँ उड़ी हुई थी। मैं बहुत डिप्रेस्ड हो गया कि ये क्या है, ये है इस्लाम? फिर मैंने इन सब बातों पर बड़े बड़े उलेमाओं के जस्टिफिकेशंस देखे, लेकिन मैं सेटिस्फाई नहीं था। जितना जस्टिफिकेशंस देखता था उतना ज़्यादा इस्लाम से नफरत होती जा रही थी। अब जो बातें अंदर दबी थीं वो भी बाहर आने लगी कि इतने सारे मज़हब क्यों हैं और हर कोई अपने मज़हब को सच्चा क्यों मानता है। मैंने कॉस्मोलॉजी पढ़ी जो कभी स्कूल में नहीं पढ़ी थी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी सब पढ़ा। इन सबको पढ़ने से मेरा अल्लाह भी मुझसे छूट गया। मैंने नोटिस किया कि हर जगह साइंस जबरदस्ती घुसाया जा रहा था। कुरान की बकवास आयतों के मतलब साइंस की डिफरेंट ब्रांचेस के साथ जोड़ने की कोशिश हो रही थी। मैंने एक्स मुस्लिम लोगों को सुना और उनके बताए रेफरेंसेस वेरीफाई किए, वो लोग सच बोलते थे। उसके बाद तो मैंने इस्लाम को बहुत डीप में पढ़ा और अब मुझे पूरा खेल समझ आ गया था। ये एक बिजनेस था जिसे बनाए रखने के लिए कुछ लोग इस पर काम कर रहे थे, जो सच बोलने वालों की जान भी ले लेते हैं और वो भी इसी सिस्टम के थ्रू। अब मेरे पास 2 रास्ते थे, एक कि मैं इस सच को अपने तक रखूं और अपनी जिंदगी सुकून से जीकर निकल जाऊं, दूसरा कि इस झूठ के खिलाफ आवाज बुलंद करूं। आवाज बुलंद करना ही मुझे इंसानियत लगा, लेकिन मैं समझ नहीं पा रहा था कि ये कैसे पॉसिबल होगा। फिर जब देखा कि सोशल मीडिया से लोग इसे ऑलरेडी कर रहे हैं तो मैं भी आ गया उनका साथ देने और इस झूठ से लड़ने।
अब ये लड़ाई तो मैंने शुरू कर दी है, लेकिन मैं इसे अकेले नहीं जीत पाऊंगा। इस लड़ाई को तभी जीता जा सकता है जब ज्यादा से ज्यादा लोग इस लड़ाई का हिस्सा हों, क्योंकि लड़ाई जिससे है वो जिस्मानी और दिमागी ताकत में भी हमसे किसी तरह कम नहीं है। इनके पास कमांडर्स हैं जिनकी बातों में इतना दम होता है कि कोई भी आसानी से इनके जाल में फंस जाए। इनके पास लोगों की भीड़ होती है जो कमांडर्स के एक इशारे पर कभी भी किसी भी ताकत को कुचल सकती है। इनके पास पैसा है, हथियार है, ताकत है, और सबसे बड़ी बात, एक झूठा खुदा भी उनके साथ है। दूसरी तरफ हमारे साथ सिर्फ और सिर्फ सच और इंसानियत है। याद रहे, ये लड़ाई एक ख्याल से है, एक आइडियोलॉजी से है जो इंसानियत के खिलाफ है। ये भी याद रहे कि लड़ाई अगर लोगों से हो तो उसे उन लोगों को मारकर जीता जा सकता है, लेकिन लड़ाई अगर किसी ख्यालात से हो तो उसे जीतना बहुत मुश्किल होता है। जीत हमेशा सच्चाई की ही होती है, और अगर जीत सच्चाई की ना हो तो समझो कि लड़ाई अभी बाकी है। तो आइए मेरे साथ और खड़े हो जाइए अपनी जनरेशंस को एक सुनहरा कल देने के लिए। सपोर्ट कीजिए मुझे और मेरा पैगाम सही जगह पहुंचाने में मेरी मदद करें, ताकि आने वाला कल इंसानियत का कल हो और साइंस का कल हो। जय हिंद, साइंस ऑफिस। तो कैसा लगा आप लोगों को ये वीडियो? मैं कुछ बताऊं, मैं कुछ कमेंट करूं, उसका पहले मैं आप लोगों का प्रतिक्रिया, आप लोगों का राय जानना चाहता हूं। कमेंट बॉक्स खुला है, आप लोग भर भर के वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी कीजिएगा, ठीक है? और कैसा लगा ये वीडियो आपको कमेंट करके बताइएगा। तो मैं तरफ से इतना ही, फिर मिलेंगे एक नया वीडियो में आप लोगों के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड बाय बाय।